हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नरेंद्र बैरागी जिन्होंने चुनाव के लेकर बिगुल अपना जो है फूंक दिया है, सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, आज जो है हमने हवन किया है, ऑफिस खोला है बीजेपी का, तो ये कार्यक्रम तो यही है ऑफिस खोलने का। आज कार्यालय का आपने उद्घाटन कर दिया, आपके जो पोस्टर है शहर में या गांव में होल्डिंग्स आपके जो लगे हुए उस पर भावी उम्मीदवार लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे हमारे बीजेपी के कई साथी हैं जो अपने इस दौड़ में हैं टिकट के में, हम भी उस दौड़ में हैं। अगर हमको समझेगी सरकार, जो भी अपने बीजेपी का गठबंधन है, हमको दो या उन भाइयों को दो जिसको भी देगी, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगी पूर्ण बहुमत के साथ हमारी बीजेपी सरकार, सबसे पहला एक इतिहास रचा जाएगा कि बीजेपी में, बीजेपी के जो सफेदों हमारा हलका है जींद जिले का, सबसे ज़्यादा वोटों से सफेदों से जीते। आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और अति पिछड़ा वर्ग की लगभग 60,000 वोट सफेदों हलके में है, फिर भी हालांकि इसको बैकवर्ड हलका माना गया है, लेकिन पिछली बार यहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी द्वारा एक ट्रंप कार्ड के रूप में तो उतारा गया था जो कि फेल हो गया था, क्या अब की बार सरकार अति पिछड़ा को टिकट दे सकती है? देखिए, जहाँ टिकट की बात है, हमारी जो बीजेपी सरकार है, पार्टी है, वो जातिवाद की पार्टी नहीं है, वो 36 बिरादरी की पार्टी है। जहाँ एक समीकरण, वो किस लेवल का समीकरण बनाएंगे उनको ऊपर डिपेंड करता है कि ये जनरल में देगी या एससी में, एसटी में देगी। अति पिछड़ों का यह एक मामला है, अति पिछड़ों का ये मामला है कि हमारी जहां बीजेपी का गठबंधन है वो सोचेगी, 36 बिरादरी को साथ लेके चल रही है, तो हम जैसे कि पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में आते हैं बीसीए में, तो बीसीए को जरूर देगी टिकट, कहीं से भी देगी, देगी जरूर जी। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक, जहां समाज लेवल की बात आती है, बिरादरी लेवल की बात आती है, उसमें हमको ज़रूर समझा जाएगा, ज़रूर किसी ने हमको मिलेगा टिकट, ऐसी बात नहीं अति पिछड़ों को नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। 32 फाइलें अभी तक मंत्रालय तक जो है सफेदों से जा चुकी है, उन 32 में से आप भी एक हो, क्यों लगता है? क्योंकि आपसे पहले पुराने समय से 30-30 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, सफेदों से कार्यकर्ता जो कि टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी आप पे क्यों विचार करें? देखिए जी, ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, हम तो अपना पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से अपने ईमान और ईमानदारी से काम करते हैं। जहाँ एक योग्यता की बात है, जिस तरीके से सबको एक, जो और पार्टियाँ किया करती थी पहले, जो राज किया करती थी, वो योग्यता के आधार पर कभी सिलेक्शन नहीं करती थी, पैसों को लेकर के लोगों को हनन किया जाता था, योग्यता एक तरफ डाल दी जाती थी। अब 36 बिरादरी में, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, जो बच्चा योग्य रहा है, जो पढ़ाई में लिखाई में सबसे आगे फर्स्ट आया है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया गया, फेयर सिलेक्शन किया गया है, तो लोगों में ईमानदारी का और अपना वो जुनून है कि अगर ये पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी है जो राष्ट्र लेवल की और जो अपने सबको समान अधिकार दे के चल रही है। पार्टी का प्रचार करने मात्र से यदि टिकट मिलती है तो और भी कार्यकर्ता लाइन में है, फिर भी आपके नाम पर विचार क्यों करें? देखिए, अगर वो, ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है जी, बताते रहे उनको दे, हमको तो किसी के भी दो, तो ये नहीं है कि भाई हमको ही दे, जो भी बढ़िया काम करेगा पार्टी समझेगी, अलग से संगठन है, जैसे वो करेगा वो ठीक है जी, हम तो अपना लगे रहेंगे ऐसे ही, जिस भाई को भी टिकट मिलेगी हम उनके साथ रहेंगे। हल्का जानना चाहता है नरेंद्र बैरागी में क्या खास बात है जो खुद पार्टी आपके बारे में सोचे? देखिए, मैं ये कैसे बताऊँ आपको खासियत के बारे में, मैं तो अपना यही बता सकता हूँ कि 15-20 साल से मैं बीजेपी में कार्य करता चला आ रहा हूँ,
ऐसे नहीं है। और मैं एक जहाँ एक और लेवल की बात आती है, एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं एक हरियाणा बैरागी सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने अपने ईमान और ईमानदारी के साथ एक जो है अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी का काम किया है। सारे अपने लोगों को अति पिछड़े में जाकर के सबका रुझान यही कहा कि भाई इसके अलावा कहीं दूसरी तरफ ना जाएं, सिर्फ हमारे हित की तरफ जो ध्यान देगी, जो देश को और प्रदेश को आगे ले जा सकती है, सिर्फ ये एक ही पार्टी है जो हमारा ऊंचा हक कर सकती है। जींद जिले को राजनीति का जो है राजधानी माना जाता है, उस राजधानी में अगर राजधानी की बात करें तो छोटी जो राजधानी है वो सफीदो है। इस ऐसी राजधानी में जहाँ इतने पॉलिटिशियन हैं उनमें एक अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल लग रहा है। देखिए ये अपने अपने सोच होती है, जींद जिला है, इसी प्रकार से और भी ज़िले हैं, हम पूरे हरियाणा में काम करते हैं ऐसी बात नहीं है, ये हमारा ज़िला है। अब जो भी अपने अपने सोच है जी, क्या समझते हैं क्या नहीं समझते उनको पटे। चलिए आज आप कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं, यदि पार्टी टिकट नहीं देगी तो भावी उम्मीदवारी बनी रहेगी क्या, फिर भी आप चुनाव लड़ोगे? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। हमको टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं तो हम जिसको टिकट देगी हम उस भाई के साथ रहेंगे, इस प्रकार की कोई भी नहीं। क्या रोड मैप नरेंद्र बरागी का हल्का जानना चाहता है, क्या रोड मैप है राजनीति को लेकर, क्या एक्सपीरियंस है? समझ नहीं आई क्या कहना चाहते। क्या अभी तक आपने कार्य ऐसे करे हैं जिससे आप राजनीति में आगे क्यों आना पड़ा अब आपको राजनीति? देखिए जहाँ जो आदमी समाज सेवा के लिए उतर जाता है, चाहे किसी भी प्रकार यो सुख दुख में जब जाते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सरकार से वंचित हो जाती हैं, उसके बारे में अवगत कराना, जो बातें नहीं बताई जाती वो उनको बताई जाती हैं सबके सामने के करके, ये काम किया जाए जी, हमारे एक हम प्रस्ताव लेके जाते हैं सर, ये इसमें इस तरीके से करिए, वो एक अलग बात। अच्छा खासा आपका बिजनेस बताया जाता है, कोई राजनीति के फायदा लेने के लिए बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए अक्सर अब आजकल बाजार में चर्चा चली हुई है, कितना सही मानते हैं? सर ऐसा है, हम बुजुर्गों की भी है, पहले से ही विश्वेदार हैं, जहाँ जमीन जायदाद का मामला है, मेरे लड़के सही अपने उस पर खा कमा रहे हैं, एक लड़का पायलट है, एक लड़का MBBS MD डॉक्टर है, पुत्र वधू भी MBBS MD डॉक्टर है, एक लड़का मेरा पुलिस में है, उस लेवल से हटके ऐसे नहीं है कि मेरे कोई बिजनेस और लेवल का नहीं है, अपने इसी में। चलिए आपको पार्टी टिकट दे देती है तो आप अपना चुनाव कहाँ मानते हैं, अपने आप को कहाँ खड़ा मान रहे हो? देखो पार्टी जब टिकट देगी वो जब की बात है जी, अब कहाँ खड़ा मानते हैं, अब कैसे बता दें जी, अगर टिकट मिलेगी और उम्मीद है जी हमें मिलेगी, जब हम उसको कैसे बताएं जी, पहले नंबर पर रखे या कहाँ ले जाए, वो हम इस बात को नहीं कह सकते। चलिए गांव-गांव आप डोर टू डोर अभियान, आपका जन समर्थन आपको किस प्रकार का अभी तक लोगों के बीच से मिल रहा है? देखिए लोगों के जो अंदर मैं जाता हूँ चौपालों पर, गाँवों में नुक्कड़ स्वभाव पर, बहुत ही मेरे को मान सम्मान दे रहे हैं, एक समाज सेवी के नाते दे रहे हैं कि भाई ये अपना है, अपना प्रधान रहा, इसने समाज सेवी का काम किया, 36 बिरादरी का, मेरे को ये नहीं लगा कहीं बिरादरीवाद है, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा कि बीजेपी नहीं बिरादरीवाद का डारा लगाती है और ना ही बीजेपी इस तरीके की जो है वो करती है। प्रभावित आप बीजेपी में अब किससे प्रभावित हो, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री? मैं तो बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे से कौन प्रभावित है कौन प्रभावित नहीं है मेरे को, आप किससे प्रभावित? मैं तो अपना मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री, विशेष उनकी जो इनकी नीतियाँ हैं राष्ट्रहित की, विकास की, बहुत ही बेहद दिल और मन और जान और ताकत, मेरा खून जनून सब उनके साथ है। अब की बार 75 पार का नारा लेकर चल रही है बीजेपी, क्या लगता आंकड़ा छू पाएगी? देखिए मैं जहाँ अपनी लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ पता कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि 2-4 सीट कहीं और पार्टियों में जा सकती है, नहीं तो 90 का 90 आंकड़ा पार करेगी, ये 100% बात है। ये थे हमारे साथ नरेंद्र बैरागी जी, जिनसे हमारी खास चर्चा, क्योंकि राजनीति हलचल जो है गर्म हो चुकी है और विधानसभा का चुनाव मात्र 75 दिन दूर है, उसके बाद हरियाणा में एक नई सरकार के जो हरियाणा को चलाने जा रही है उसका भी जो है समय शुरू हो चुका है, और आज से इन्होंने अपने कार्यालय का जो उद्घाटन विधिवत रूप से किया है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहिए खबर तेल का। हरियाणा की तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।